सर आई हैव चिप टीथ, कैन आई ज्वाइन आफ्टर क्राउनिंग माई टीथ? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, बिना क्राउनिंग के भी डाउन कर सकते हो. सर सॉरी सर, आपके आंसर मैं दे रहा हूँ, बट मैं भी चेक कर रहा हूँ, इतना तो मैं भी जान गया हूँ थोड़े टाइम के अंदर वीडियो बनाते बनाते. सर सर माई गॉड, एक और, माई अपर टूथ इज हाफ ब्रोकन, विल इट कॉस्ट एनी इशू इन माई मेडिकल एग्जाम? नहीं भाई, ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जान लो यार. सर आई हैव माई ब्रेसिस ऑन माई टीथ एंड आई एम ऑन द शिप राइट नाउ. तो क्या मैं, और इसमें क्वेश्चन यह कि सर जिसको ब्रेसिस है क्या वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन सर. लेकिन लड़के का क्वेश्चन यहाँ पर है, वॉन्ट टू मीट डॉक्टर बिकॉज इन ब्रेसिस वी हैव टू मीट रेगुलरली डॉक्टर इन डेली मंथ टू टाइटनिंग आर ब्रेसिस, वॉट कैन वी डू? ये क्वेश्चन वो कहाँ पूछ रहे हैं, व्हेन ही इज ऑन बोर्ड? कह रहे मैं शिप पे हूँ, तो पहली बात है शिप पे ब्रेसिस पहन के जाओ ही मत यार, पहले पूरा ट्रीटमेंट करा के जाओ. पहले पूरा ट्रीटमेंट शिप पे, जहाज पे कौन भेजेगा आपको यार? और डॉक्टर से जो है वो आप जान लो कि आपको कितने कितने टाइम में फॉलोअप करना है. बेसिकली अगर आपको फॉलोअप जो है ऐसा हो रहा है कि आप उस समय शिप में रहोगे तो फिर देन बेटर नॉट टू ज्वाइन या बेटर नॉट टू बोर्ड. और वैसे तो देखो नहीं होना चाहिए, अगर इतना फ्रीक्वेंट जो है फॉलोअप नहीं होता ब्रेसिस में, अगर हुआ तो फिर वही है कि आप यू शुड अवॉइड, और अगर नहीं है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं. वो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करते ब्रेसिस. राइट सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी विद इंपैक्टेड कैनाइन टीथ? इंपैक्टेड कैनाइन क्या हुआ सर, टूट जाते हैं टीथ या नहीं? वो मतलब वही जैसे जुड़े हुए हैं ना कैनाइंस, मतलब वो जैसे कई बार वो टीथ के जो आने का जो वो होता है ना, जहाँ से वो आ रहे हैं वो दूसरे वाले टीथ से बिल्कुल मिल के आ रहे हैं. okay. उस तरह से मतलब इट हैज़ नो स्पेस बेसिकली. ओके. तब जाके अदरवाइज वही है कि इफ देयर इज नो सिम्टम्स तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके सर, ये टीथ का क्वेश्चन है सर. माई क्वेश्चन इज दैट एट प्रेजेंट आई हैव 28 टीथ एट द एज ऑफ 17 एंड माई विजडम टूथ हैज नॉट येट कम. I want to put braces on my teeth and doctor said they have to remove 3 teeth from my mouth. So I'll be having 25 teeth. Can I join Merchant Navy? इसका अंदर मैं वीडियो बनाया, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं. और टीथ के ऊपर तो पूरा वीडियो बना दे सकते हैं कितने होने चाहिए टीथ. सर आई एम अ क्लेफ्ट पेशेंट. वो क्लेफ्ट इस जिनका ये क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट? क्लेफ्ट लिप. क्लेफ्ट लिप है. लिप. हाँ क्लेफ्ट लिप, तो उसको सर्जिकली आप यू कैन करेक्ट इट. वॉट इज क्लेफ्ट लिप सर? क्लेफ्ट लिप जो कटे रहते हैं ये ऐसे करके आधे कटे रहते हैं ऐसे करके. हाँ तो उसमें स्पीच प्रॉब्लम होती है तो इसलिए वो ठीक हो जाती है सर. लेकिन वो सर्जरी करके ठीक हो जाती है. ओके. क्योंकि मेरे कॉलेज में भी एक सीनियर थे मेरे क्लेफ्ट लिप था एंड ही वाज सिलेक्टेड, ही जॉइन मर्चेंट नेवी. ओके. हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको और डिटेल्स जाननी है, देयर कैन बी सो मेनी क्वेरीज अबाउट मेडिकल्स, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी के लिए, सो आई वुड रिकमेंड कि आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट पर जाएँ. उसके बाद आप स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएँ. स्टार्ट एज अ बिगनर में जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं. फ्री कोर्सेज में जाएं. फ्री कोर्सेज के अंदर आपका एक कोर्स दिख जाएगा विच इज़ ये आ गया मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज. आप जब इस मर्चेंट नेवी मेडिकल गाइडेंस सीरीज पे जाएंगे तो यहाँ पर इस मेडिकल सीरीज के अंदर आपको सारी जानकारी, हाउ टू फाइंड डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर, आई साइट से रिलेटेड, हाइट एंड वेट से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, बोन्स एंड फ्रैक्चर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, नॉक नीज, फ्लैट फुट से रिलेटेड, स्टमक इंटेस्टाइन ट्यूमर, लाइपोमा, ब्लड प्रेशर, किडनी, प्राइवेट पार्ट, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस कोर्स में दी हुई है और बाकी हम डाल रहे हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ एनरोल फॉर दिस फ्री कोर्स एंड गेट ऑल दी गाइडेंस. आप ही लोगों के लिए बनाया है. जय हिंद, जय भारत, जय माता.